दलित किसान अपने पट्टे की जमीन दबंगों से मुक्त कराने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट काट कर हार मान गया और निराशा से भरे किसान ने अपने पट्टे की जमीन कब्जे से मुक्त कराने के लिए पेड़ भरते हुए अनुविभागीय अधिकारी गंज वासोदा के कार्यालय तक पहुंचा। अपनी मनोकामना पूरी करने और भगवान की भक्ति के लिए पेड़ भरते हुए कई भक्तों को आपने देखा होगा, लेकिन शासकीय दफ्तरों से परेशान होकर किसान पुत्र भी अब पेड़ भरने को मजबूर हो गए। ऐसा ही नज़ारा गंज वासोदा के तहसील परिसर में देखने को मिला। ग्राम पबई कुरवाई तहसील गंज वासोदा के निवासी सोमत अहिरवार पट्टे की जमीन पर वर्षों से खेती कर रहा था, लेकिन कुछ समय पूर्व गांव के दबंग इब्राहिम खान ने अपने पुत्रों के साथ मिलकर जमीन पर कब्जा कर पट्टेधारी किसान को जमीन से बेदखल कर दिया। दलित किसान का परिवार विगत 5 सालों से अपनी जमीन को वापस पाने के लिए शासकीय कार्यालयों को चक्कर लगा रहा है, लेकिन कहीं भी किसान सोमत अहिरवार की सुनवाई नहीं हुई। किसान पुत्र सोमत सिंह के पिता की मृत्यु पूर्व में हो चुकी है और माँ भी विकलांग है। जीवन के संघर्ष के साथ सोमत को अपनी जमीन मुक्त कराने के लिए प्रशासनिक तंत्र से भी संघर्ष करना पड़ रहा है। दलित किसान सोमत का कहना है कि तहसील थाने से लेकर कलेक्ट्रेट तक चक्कर लगा लगा कर हिम्मत टूट गई है। थक हार कर तपती धूप में अपने भाई के साथ पेड़ भरते हुए SDM कार्यालय पहुंचा और प्रशासनिक अधिकारी को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई, जहां अनुविभागीय अधिकारी विजय राय के द्वारा आवेदन लेकर वासोदा तहसील को मामले की जांच करने के आदेश दिए। दलित किसान परिवार का कहना है यदि अभी भी उनकी जमीन वापस नहीं मिली तो वो विदिशा कलेक्टर के पास तक पेड़ भरते हुए जाएंगे। साहब इब्राहिम खान द्वारा जमीन जोती गई है सर, मुसलमान की जमीन, साहब जाते हैं तो वहाँ पे कब्जा नहीं हटाते सर, मारते हैं हमको, रोकते हैं सर, काम घुसने घुसने नहीं देते साहब। साहब सब जगह हमने आवेदन दिए, कोई सुनवाई नहीं है सर, तहसीलदार साहब के ना, ADM साहब के ना, कलेक्टर साहब के ना, और हमने सब पूरी जगह थाना परिवार की आवेदन दिया, कोई सुनवाई नहीं, सब चिल्लाते हैं हम तो थाने में जाते हैं। कौन से गाँव की घटना है सर? पवई कुरवाई घटना है सर, जी। तो आपकी जो जमीन है वो आपको कैसे मिली थी? मिला था सर कांग्रेस का। अच्छा, तो ये आवेदन वगैरह कब से आप दे रहे हैं अधिकारियों को? 5 साल हुए साहब। 5 साल से कोई सुनवाई नहीं? तो इब्राहिम खान द्वारा 5 साल से जमीन जोतने लगे? 10 साल से। ठीक। सर, ये जो आज का मामला हुआ है, कुछ किसान पेड़ भरते हुए तहसील तक पहुँचे, क्या मामला? जी, ये पवई ग्राम के आवेदकों ने अपनी निजी भूमि पर कब्जे को लेकर के एक आवेदन इस तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया था। इसके संबंध में संबंधित तहसीलदार को निर्देशित किया है कि विधिवत भूराय संहिता के तहत उनका प्रकरण दर्ज कराया जाए। यदि अवैध कब्जा पाया जाता है तो विधि अनुसार कार्रवाई करके बेदखली की कार्रवाई की जाए। यदि वो व्यक्ति ये मामला पात्र पाया जाता है और वास्तविक रूप से किसी का कब्जा पाया जाता है और कब्जा नहीं भी छोड़ता है तो बेदखली पश्चात सिविल जेल की कार्रवाई के लिए भी संबंधित तहसीलदार को निर्देशित किया। गंज वासोदा से दीपेश जैन की रिपोर्ट।